YouTube चैनल BL बिहारी ऑफिशियल मस्ती में आपका स्वागत है। मैं BL बिहारी तो फिर एक नए वीडियो लेके हम आ चुके हैं और आज आपको हम इस वीडियो में बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन हम बताने के लिए जा रहे हैं। बने रहे वीडियो का शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा। जो कि ट्रेन सफ़र अभी तक नहीं चलाई गई है, क्या कारण है और किस वजह से अभी तक ट्रेन में इतना लेट पाया गया है। जो कि सूचना के अनुसार जो हमें बताया गया था वो हम आपको बता दिए हैं। जो कि आशापुर गुफा में जो सिग्नल बनाया गया है अभी तक उसमें काम नहीं किया गया है। जो कि फिलहाल अभी काम उसमें हो रहा था, लगभग एक महीना का टाइम लिया गया है, यानी कि एक महीना में वो सिग्नल जो है उसमें कंटिन्यू लाइट जला दिया जाएगा और फिर वो लाइट जलने के बाद ट्रेन सफर देखा जाए कि शुरू होता है कि नहीं है। तो ये हो गया ट्रेक लाइन। अब इस पर सब कुछ तंदुरुस्त है, लेकिन ये ट्रेक लाइन बिल्कुल तंदुरुस्त है लेकिन ट्रेन सफर नहीं चलाई गई है, क्योंकि ये जो रेल लाइन है अभी खून की आंसू रो रही है। आखिर ये भी रेलवे जो लाइन है ये भी रो रहा है, आखिर हम तो तंदुरुस्त है लेकिन मेरा यूज क्यों नहीं किया जा रहा है, आखिर क्या वजह है, मेरे अंदर क्या कमी है, इस कमी को दूर करें और इस पर से यह रेलवे लाइन जो कि तंदुरुस्त होते हुए भी आज इस पर से ट्रेन सफर नहीं चलाई जा रही है। आखिर ये भी ट्रेक लाइन कह रही है कि हम तो बिल्कुल ठीक ठाक है लेकिन अभी तक इस पर से कोई ट्रेन क्यों नहीं दौड़ाया गया है, आखिर क्या कमी है और किस वजह से इसका जो लाइन है वह चालू नहीं किया गया है। रेलवे की तरफ से ऐसा कोई सूचना नहीं दिया गया है कि इस वजह से ट्रेन अभी शुरू नहीं किया जा रहा है, यह कारण है और कब चलेगी ये भी अभी तक कोई पुष्टि नहीं किया गया है। जैसे कि बहुत ही पब्लिक ही बोलते हैं कि इस महीना में चलेंगे, इस महीना में चलेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई रेलवे की तरफ से नहीं आया है। और इधर हो गया आपका परसा बसवारी हाट घोंडिया तमोरिया और दरभंगा की यह रेलखंड है, जो कि अभी हम निर्मली और घोंडिया रेलखंड के बीच में खड़े हैं। बिरे संख्या जो कि अभी यहाँ पर पुल बनाया गया है, देख सकते हैं यह नया पुल है और वह पुराना पुल है जो अभी भी वह बूढ़ी हो चुकी है और वह बूढ़ी पुल अभी भी तंदुरुस्त है। अगर उस पर से ट्रेन चाहे दौड़ाने के लिए तो उस पर से ट्रेन दौड़ेगी, लेकिन यह नया पुल है इस पर से ट्रेन नहीं दौड़ाई जा रही है। लेकिन इससे ज़्यादा मजबूत वह पुल है जो अभी पुल बनाया गया है और उस पुल पर से छोटी गेज की ट्रेन चलती थी, जो कि पहले ट्रेन चलती थी वो उस साइड में चलती थी, लेकिन अब नया ट्रेन जो है वह यहाँ चलाई गई है, रेल लाइन बिछाया गया है। और यह पुल संख्या 143 से हम आपको लाइव वीडियो हम दिखा रहे हैं, जो कि यहाँ इटहरी गांव के पास से हम आपको दिखा रहे हैं इस रेल लाइन पर। तो कब चलेगी ट्रेन यही आस लगाए हुए है सभी पब्लिक लोग, और कब चलेगी ट्रेन ये भी कमेंट में पूछ रहा है कि ट्रेन चलाओ ट्रेन चलाओ। अगर भाई मेरे बस के बात होता तो हम कल ही ट्रेन चला देते, लेकिन यह रेलवे की है, जो किसी भी कारण तो होगा उस कारण बस अभी तक ट्रेन नहीं चलाई गई है, कोई तो बात होगा जिस बात से अभी तक ट्रेन नहीं चलाई गई है। बहुत ऐसा लोग भी कमेंट करते हैं कि जब तक इस रेलवे लाइन में कोई नेता नहीं भिड़ेंगे तब तक कोई ट्रेन नहीं चलेगी, यानी कि अगर नेता चाहे तो ट्रेन चलेगी। और बहुत लोग ऐसा भी कमेंट किए हुए थे कि आंदोलन कीजिए आंदोलन कीजिए, आंदोलन से ही सुनवाई होगी। तो तमोरिया में भी तो आंदोलन किया गया था लेकिन उसके कोई सुनवाई नहीं किया, कोई रेलवे के अधिकारी नहीं आए उस तमोरिया रेलवे स्टेशन पर उस आंदोलन पर देखने के लिए कि क्यों आंदोलन किया गया है, और ये भी समझाने के लिए नहीं आए थे कि अब सब्र कीजिए अब सब्र कीजिए, जो कि बहुत ही शीघ्र ट्रेन चलेगी, ये भी समझाने के लिए नहीं आए थे तमोरिया रेलवे स्टेशन पर। जो कि तमोरिया रेलवे स्टेशन पर कंटिन्यू पाँच से छः दिन धरना प्रदर्शन किया गया था, लेकिन वहां पर रेलवे की तरफ से कोई ऐसा सूचना नहीं दिया गया था, नहीं बताया गया था। अब तो रेलवे के ऊपर ही है, अगर किसी कारणवश अगर ट्रेन नहीं चलाई गई है नहीं चलाई जा रही है तो वह भी सूचना बहुत शीघ्र आएंगे और आप लोगों के बीच में हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम दिखाएंगे, क्योंकि कोई तो वजह होगा जिसके कारण से अभी तक ट्रेन सफर नहीं चलाई गई है। तो चलिए मैं BL बिहारी विदा लेता हूं इस वीडियो से, तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ।